देखिए, सबसे पहले ये घटना अहले सुबह करीब 6 बजे की बात बताई जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो बीजेपी नेता है मुन्ना शर्मा, श्याम सुंदर इनका ऐसे नाम है, तो मुन्ना शर्मा से ये पहचाने जाते थे और ये उस इलाके के एक बड़े नेता के रूप में इनकी पहचान थी। और कहा जा रहा है कि जब ये सुबह 6 बजे घर से गए थे किसी को तोड़ने और मॉर्निंग वॉक पर ये आ रहे थे, तभी बाइक सवार 2 अपराधियों ने इन्हें घेरा और घेरने के बाद कहा जा रहा है कि इनके गले में एक सोने की चेन थी जिनको छीनने का प्रयास किया। इस दौरान जब इन्होंने विरोध किया तो उनके सर में गोली मार दी गई, जिसके बाद परिजनों ने इन्हें अस्पताल जो है NMCH अस्पताल में इनको भेजा गया, जहां इनकी मौत हो जाती है। तो देखिए, यहां अपराध को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और देखिए, इससे पहले भी पटना सिटी में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, हालांकि उस समय ये कहा गया था कि आपसी रंजिश में गोली मारी गई थी, लेकिन ये तो बिल्कुल क्राइम है कि राह चलते किसी को अपराधी घेर लेते हैं और उसके साथ छीना झपटी करते हैं और विरोध करने पर गोली मार देते हैं, और वैसे लोगों को गोली मारते हैं जो भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल से जुड़ा हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि बिहार में जो है अपराधी बेलगाम है, उनके हौसले बुलंद है, पुलिस पस्त है। हालांकि सरकार बार बार यही कहती है कि बिहार में जो है जब घटना होती है तो जो अपराधी है वो पकड़े जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे, उनको सजा हो रही है। इस मामले में अभी तक CCTV फुटेज जरूर प्राप्त हुई है पुलिस को, लेकिन अपराधियों की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों की पहचान की जा रही है, उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। देखिए, अपराध को लेकर बिहार में विपक्ष जो है हमलावर है, लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं और सरकार से सवाल पूछते हैं कि आखिर क्यों हर महीने 10-20 लोगों की हत्याएं हो रही है और सरकार सोई हुई है और सरकार कहती है कि कार्रवाई बिल्कुल राजीव, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि नीतीश कुमार जहां एक और ये कहते हुए सुनाई देते हैं और वो कहते हैं कि बिहार में बाहर बात तो वहीं तेजस्वी यादव इस पर हमला बोलते हैं और कहते हैं कि अपराध जगत को अगर आप देखें बिहार में जंगल राज की तस्वीर आप देखें तो हम ये कह सकते हैं कि यूपी में बिहार में बाहर की तो हम नहीं कह सकते लेकिन बिहार में जंगल राज जरूर है, ये तेजस्वी यादव हमने बोलते रहे हैं। और अब जब ये मुद्दा सामने आया है बीजेपी कार्यकर्ता की इस तरीके से दिन दहाड़े निर्मम हत्या कर दी जाती है, छीना छपटी का मामला भी इसमें बताया जा रहा है, तो ऐसे में कई इस वक्त मुद्दे विपक्षी दलों के खाते में चले गए हैं जिसको मुद्दा बनाने की लाजमी है विपक्षी दलों की ओर से। देखिए, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष का 10 सितंबर यानी कल से उनका आभार यात्रा शुरू होने जा रहा है। निश्चित तौर पर ये बड़ा एक गंभीर मुद्दा है जिस पर क्राइम के मुद्दे को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। इसके अलावा भी उनके पास कई मुद्दे, लेकिन क्राइम को वो प्रमुखता से अब बता रहे हैं कि बेरोजगारी के साथ भ्रष्टाचार और क्राइम बिहार में इतना हो गया है जिसका जवाब नीतीश कुमार के पास, मुख्यमंत्री के पास नहीं है। तो निश्चित तौर पर देखिए, बिहार में अपराध जो है, अभी नए DGP आलोक राज ने पदभार ग्रहण किया, जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम प्री एक्शन लेंगे, लेकिन अब प्री उनके आते ही ये घटनाएं हो रही हैं। प्री एक्शन का कहां बात है, प्री एक्शन को लेकर उन्होंने कई बैठकें की है, अधिकारियों को टिप्स दिया है, लेकिन उसका फलाफल या कह सकते हैं उसका रिजल्ट कहीं से नहीं है। और जिस तरह से बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या की जाती है और ये देखिए, इस तरह की घटनाएं ऑर्गेनाइज क्राइम के तौर पर आती है, उस श्रेणी में आती है। अगर इस तरह की घटना होती है और प्रशासन ये कहती है कि हम अपराधी को करके जेल में भेज देंगे, इसका मतलब कि उनका प्री एक्शन नहीं है। उनका बिहार में जो है इंटेलिजेंसिया जो सूचना तंत्र होता है वो बिल्कुल फेल्योर है, इस पर हर हमेशा ठीक है। यानी कि राजीव, हम ये कह सकते हैं कि इस पर राजनीति ना की जाए तो ज्यादा बेहतर।